नमस्कार, मैं अंकुश और आज हम पहुंचे लोगों के बीच जानने की क्या है डेरा सच्चा सौदा और क्या है बाबा राम रहीम का सच। जानते हैं इन महिला से कि यह नए क्या नए खुलासे करती हैं बाबा राम रहीम के बारे में। जी, आपका नाम? अनु इंसान। बाबा राम रहीम को जानती हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें। जी, वो इतने अच्छे हमारे पिताजी हैं, भी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, देश के लिए इतना कुछ करते हैं, फिर भी लोग उनके बारे में गलत सोचते हैं, ये बहुत गलत है। जी, तो आज जो बाबा राम रहीम के खिलाफ दिखाया जा रहा है ये कितना सच है? ये सब कुछ झूठ है जी। जो मीडिया वाले हैं ये तो दुनिया के बारे में ऐसे ही बोलते रहते हैं, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके बारे में लोग बुरा ही कहते हैं जी। अगर कोई अच्छा काम करना लग जाए तो लोग उसे ऐसे सोचते हैं कि हम इनकी अफवाह डाल दें, ये कर दे वो कर दे। दुनिया वालों को ये लगता है कि जो अच्छे काम करते हैं वो तो हर किसी को गलत ही लगता है, जो अच्छा होता है दुनिया उसी को गलत बताती है जी। किस तरह के कार्य करते हैं गुरु जी, कुछ बताएंगी हमें? पिताजी ने हमारे इतने कार्य चलाए हैं, मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, जैसे वेश्याओं की शादी करना, बेटी बनाना उन्हें अपनी, और पौधारोपण करना, लड़कियों को अच्छी शिक्षा देना, लड़कियों के बारे में बताना कि ये कैसे कैसे हमें लड़कियों के मतलब उनके साथ रहना चाहिए। भी पिताजी कहते हैं कि हमें अपनी बेटी बनाकर ही रखना चाहिए, चाहे किसी दूसरे की लड़की हो उसको भी अपनी बेटी बनाना चाहिए जी। देखा गया है कि डेरा सच्चा सौदा में 80% से ज्यादा यूथ आता है आप जैसा, क्यों आता है? क्या उन्हें कोई रिश्वत देकर बुलाया जाता है? नहीं, ये कोई रिश्वत देकर नहीं बुलाया जाता है, हमें अपने आप ही लगता है कि हमें जहाँ अच्छा लगता है हमें वहीं पर जाना चाहिए। और डेरे में तो इतने अच्छे अच्छे कार्य चलाए जा रहे हैं, यूथ के लिए इतनी चीजें करी जा रही हैं, कार्य चलाए जा रहे हैं, पिताजी ने इतने कार्य चलाए हुए हैं कि यूथ के बारे में भी हमें यूथ को कैसे वो करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए यूथ को, अभी से शिक्षा लेंगे तभी तो आगे जाके आगे की कर पाएंगे ना। पर सत्संग तो एक ऐसी चीज़ है जिसे बुढ़ापे में कर लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में सत्संग के अलावा कोई और काम नहीं होता। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें बुढ़ापे में ही सत्संग लेना चाहिए, बल्कि यूथ ले वो बहुत अच्छी बात है, यूथ शिक्षा लेगा इससे तभी तो आगे देश बढ़ेगा, देश अच्छे कार्यों में काम लेगा जी। गुरुजी जो सत्संग लगाते थे उसका समाज को क्या फायदा होता था? समाज को फायदा ये है कि समाज अच्छे कार्य करे, अच्छे अनेक भलाई के कार्य करे, अनेक भलाई के कार्यों से जुड़े जी। देश सुधरे, इसके बारे में पिताजी ज्यादा बताते थे जी। ताकि देश को बुरे कामों से छुटकारा मिल सके। तो आज 2.5 साल हो गए हैं गुरुजी समाज में एक्टिव नहीं है, कोई सत्संग भी नहीं लगा रहे, कोई नुकसान पड़ा समाज को? समाज को तो नुकसान पड़ा है कि ये डेरे वाले रुकते ही नहीं है, डेरे वाले तो बहुत चलते रहते हैं जी। तो आज ऐसे संत की समाज को कितनी जरूरत है? ऐसे संत की तो हर एक को जरूरत है, पर लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं कि ये डेरे में ना जाए। लोग तो इतने बुरे का दुनिया वालों को बकाते हैं कि ये तुम मत जाओ वहाँ, मत जाओ वहाँ, कुछ नहीं है। लेकिन जो हमें पता है ना, यहाँ पे सब कुछ है, हमारे लिए तो सब कुछ ही यहीं पे है, हमें और कहाँ जाना है, यहीं पे आना है जी। आज देश की सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम देश की सरकार से ही अपील करना चाहेंगे कि हमारे पिताजी जल्द से जल्द हमारे बीच आएं, हमें इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है।